अतीक के शूटर गुड्डू मुस्लिम के पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है और यूपी पुलिस को पता चला है कि गुड्डू पहले झांसी में छुपा और यहां से मेरठ और दिल्ली गया। कुछ वक्त वो अजमेर में भी रहा, अब दक्षिण भारत में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया है, अब दाढ़ी बढ़ा ली है और अपनी मूंछें भी हटा दी है, कपड़े भी अलग ढंग से पहन रहा है। अचानक सामने आने पर उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। एसटीएफ की दो टीमें गुड्डू मुस्लिम के पीछे लगी हैं, जिसमें वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। कर्नाटक के बाद ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीच लगातार ठिकाने बदल रहा है। उधर गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित घर पर नोटिस चिपकाया गया था, जिसको अज्ञात लोगों ने हटा दिया। नोटिस को लेकर घर के आसपास कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज तक संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। ये एक एरिया है, यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है घर जो है वो चांदनी का है, और चूंकि नाम ये कहा जाता रहा कि ये गुड्डू मुस्लिम का है, लेकिन चांदनी के नाम पर है ये घर। और ये हमारे यहाँ इनसे पूछते हैं, ये बता देंगे पूरी बात की क्या है। तो साफ तौर से ये जो घर है यहाँ पर नोटिस लगा रहा था, लेकिन नोटिस इसको हटा दिया जाता है और नोटिस भी हटा दिया गया है साफ तौर से, चूंकि ये बताया गया कि यहाँ पर जब नोटिस लगाया जाता है उसके पास से नोटिस हटा दिया जाता है। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो डेट है, पीडीए अपनी तरफ से तो कार्रवाई करता है, लेकिन इस तीन मंजिले मकान पर अभी तक जो नोटिस लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दूसरा भी मकान है, उस मकान पर भी कहीं ना कहीं नोटिस लगाया गया है। तो गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए जो भी प्रॉपर्टी है उस पर पीडीए अपना नोटिस लगाती है और उसमें कार्रवाई करती है, लेकिन ये साफ है कि बराबर जब नोटिस लगाए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हटा दिए जाते हैं। कौन हटा रहा है इसके बारे में कुछ अभी नहीं पता है। प्रयागराज से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।